जय दोस्तों, आज आपको बताने वाले क्लास 10th का 2023 में आने वाले क्वेश्चन वीवीआई मैथ के बताने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देखते रहे। देखिए सवाल क्या है, वो राइट 22 सेमी परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो पे बने रहे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले क्या आप जान लेंगे कि क्या दिया गया है। वृत्त की परिधि बराबर आपका दिया गया है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 22 सेमी। कितना दिया हुआ है, 22 सेमी। इतना तक समझ में आ गया? जी हाँ सर। तो चलिए सबसे पहले आप कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ गया ना यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जब निकालते हैं तो जो दिया रहता है तो वही करेंगे। वृत्त की त्रिज्या बराबर आप क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या परिधि बराबर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब 2πr सूत्र होता है, ठीक है। तो जब 2πr जब सूत्र होगा तो क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ परिधि कितना हुआ, 22, और 2 गुना 22, हम पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7, ठीक है, गुना आर कर लेंगे, 22 और 22 काट देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 7 गुना यहाँ हो जाएगा, 7 बराबर 2r हो जाएगा, तो r का मान कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए क्या वृत्त के चतुर्थांश मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या कह रहे हैं, ठीक है। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, 1/4πr2। वृत्त के चौथा अंश, वृत्त के क्या करना है, चौथा अंश आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम यहाँ कर लेते हैं यहाँ आपको, ताकि वीडियो में दिखता होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 1/4π का मान रख देंगे, 22/7, ठीक है। और r देख लीजिए यहाँ दिया गया है क्या, 7/2 और 7/2, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, 7/7 काट देंगे और क्या करेंगे, 22 कर देंगे। अब क्या होगा, 11 × 7 हो जाएगा, 11 × कितना हो जाएगा, 7/4 कितना हो जाएगा, 8 दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। तो सबसे पहले 11/77 कर लेंगे और 8 कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं कमेंट में कीजिए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या रहा है कि चांदी एक तार को 5.6 सेमी का वृत्ताकार एयरिंग बनाया जाता है, ठीक है, वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त के रूप में क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है, ठीक है। जब मोड़ा जाता है तो एयरिंग मतलब तार बनाया जाता है, तो यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। एक पुनः उसको सीधा करके एक क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले यहाँ देख लेंगे कि चार किसके आकार में बनाया गया, वृत्त के आकार में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेंगे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया, आर दिया हुआ 5.6 सेमी, ठीक है, 5.6 सेमी दिया गया, ठीक है। इसे यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, चूंकि दिया गया। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देख लेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग की परिमाप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वर्ग की परिमाप। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस सर। तो सबसे पहले कमेंट कीजिए कि यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए वृत्त की परिधि क्या होगा, 2πr, और वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो यहाँ क्या आ गया है, 2 × 22/7 × r, तो r का मान कितना भाई, 5.6, ठीक है, बराबर कर लेंगे, 4 गुना भुजा कर लेंगे, ठीक है। तब यहाँ क्या होगा कि इस तरह से जब काटेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 = 4 कट जाएगा, ठीक है, 2 × 2 = 4 कट जाएगा, दशमलव उड़ेगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 10, एक अंक के बाद दशमलव आए थे, नीचे 1 0 बैठा देंगे। अब क्या होगा, 7/8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 7/8 56, ठीक है, और 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 22 कितना हो जाएगा,
बोलिए दोस्तों। तो यहां देख लेंगे दोस्तों कि 22 कितना हो जाएगा, 88। 22 कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, 88 बटा में कितना लेंगे, 10 बराबर भुजा। ठीक है यार दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ क्या, इससे भाग देंगे ना तो नीचे एक जीरो है तो 1 दशमलव बैठा देंगे, 8.8 सेमी। आपका आंसर कितना होगा? तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।